चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर। एक क्षण के लिए भी, पलक झपकने बराबर समय के लिए भी, सूरज अपनी गति को कभी कम नहीं करता है, जितनी होती है उतनी होती है और कभी बंद नहीं करता है। ऐसे ही बादल होते हैं, बादलों का क्या काम है? समुद्र से पानी लेना, भर करके लाना और तुम्हारे पास उड़ेल देना। बादल क्या करते हैं? समुद्र से पानी लेते हैं और तुम्हें ला करके दे देते हैं। इतना काम यदि सरकार करे तो कितना खर्चा होगा सोचो। यदि इतना काम, जितना पानी चातुर्मास में बारिश के मौसम में बादल इस धरती को देते हैं, इस संसार को देते हैं, इतना काम यदि सरकार को करना पड़े, तुम्हें करना पड़े, तो कितना खर्चा आएगा? रात में लाइट नहीं होती है, सूरज नहीं होता है, तो आप अपनी लाइट जलाते हो, प्राइवेट लाइट, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई, बिल लगता है। क्या लगता है? बिल लगता है। और सूरज तुम्हें दिन भर प्रकाश देता है, कभी बिल आया? अरे बोलिए ना, नहीं आया बिल? अच्छा, मतलब ऐसे ही वृक्ष होते हैं, सब्जी फल ड्राई फ्रूट्स कहाँ से मिलते हैं? सब वृक्षों से मिलते हैं, आम मौसम्बी सेब अनार कहाँ से मिलते हैं? सब वृक्षों से मिलते हैं। इंसान ने तो क्या किया, बीज डाल दिया, पानी डाल दिया और देख रेख कर ली। बाकी काम किसने किया? प्रकृति ने किया, धरती ने किया। वृक्ष उगा, फल लगे, उसने लाके बाजार में बेच दिए, आपने खरीद लिए, लेकिन वो पैसा पेड़ को नहीं मिला। क्या जो पैसा आपने फल खरीद कर उस फल वाले को दिए हैं, वो पैसा उस पेड़ को नहीं मिला है? वो तो उसका व्यापार है, उसने ले लिया है, पेड़ को तो कुछ भी नहीं मिला है। यानी पेड़ ने जो फल दिए हैं वो निस्वार्थ दिए हैं, बादलों ने जो पानी दिया है वो निस्वार्थ दिया है, सूरज ने जो रोशनी दी है वो निस्वार्थ दी है, और हवा ने जो ऑक्सीजन दी है वो निस्वार्थ दी है, और जो प्रकृति हमें सब कुछ दे रही है वो निस्वार्थ दे रही है। सूरज मनुष्य ना हो इस धरती पर तो सूरज रह सकता है कि नहीं? रह सकता है। पेड़ ना हो इस धरती पर तो मनुष्य के बिना पेड़ रह सकते कि नहीं? मनुष्य के बिना पेड़ रह सकते कि नहीं? रह सकते हैं। मनुष्य पेड़ों के बिना रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है। हवा के बिना मनुष्य रह सकता है क्या? और मनुष्य के बिना हवा रह सकती है? मतलब बहुत लोग कहते हैं ना, हम किसी का एहसान नहीं लेते। सुना आपने कभी ये भाषा किसी की सुनी है, किसी के मुंह से सुनी है? हम किसी का एहसान नहीं लेते, हमें नहीं चाहिए उनका एहसान, हम तो अपने आप कर लेंगे, हम नहीं किसी के भरोसे रहते हैं। अरे बिना भरोसे तो तुम्हारी गाड़ी चलने वाली है ही नहीं है। हम देखो, सांस ले रहे हो तो वायु का उपकार है, इस दुनिया को देख रहे हो तो सूरज का उपकार है, भोजन कर रहे हो तो वृक्षों का उपकार है, इस धरती पर रहने को शरण मिली है तो इस धरती का उपकार है, ये कपड़े मिले हैं पहनने को तो वृक्षों का उपकार है। इसके बिना क्या आप जी सकते हो? फिर कहो कि हम किसी का एहसान नहीं लेते, बोल के बताओ कि हम हवा के बिना भी रह सकते हैं, हम सूरज के बिना भी रह सकते हैं, हम वृक्षों के बिना भी रह सकते हैं। यदि रह सकते हैं तो बताओ। हम
देखते तो बहुत कुछ हैं मगर सच्चाई नहीं देखते हैं। सच्चाई दिखने लगे इस जीवन में तो विनम्रता आ जाए, मान कषाय कम हो जाए, भाव शुद्ध हो जाए और मन शांत हो जाए। अहंकार हमें सच्चाई देखने नहीं देता है। जो ये कह रहा है कि हम किसी का एहसान नहीं लेते हैं, एक कहने वाला वो नहीं कह रहा है, उसका अहंकार कह रहा है। यदि अहंकार ना हो तो कहेगा भाई बिना उपकार के तो ये जीवन चल ही नहीं सकता है। देव का उपकार, गुरु का उपकार, शास्त्र का उपकार, घर में रहो तो माता पिता का उपकार, भाई बहन का उपकार, पड़ोसी का उपकार, घर वालों का उपकार, रिश्तेदारों का उपकार, मतलब जीवन जी रहे हैं तो बिना उपकार के जीवन जिया ही नहीं जा सकता है। और हम धन्यवाद देने के लिए भी कंजूस हो जाते हैं। कोई हमारे लिए कितना भी कर ले, लेकिन हम जब भी होंगे तब भी एक सांप ने इंसान को डसा, एक सांप ने इंसान को डसा, इंसान जिंदा है सांप चल बसा। नहीं समझ में आई? इंसान जिंदा है सांप चल बसा, सांप मर गया इंसान जिंदा है, जहर किसके अंदर है? सांप ने आदमी को काटा तो आदमी को कुछ नहीं हुआ, बेचारा सांप मर गया, क्योंकि उसने काटा तो उसका जहर उसमें आ गया। तो वो जहर क्या है? कषायों का जहर है, क्रोध का, मान का, मायाचारी का, लोभ का, ये जहर है जो हमारे मन को जहरीला बनाते हैं, मन को अशुद्ध करते हैं। और जितना जितना ये जहर कम होगा उतना उतना जीवन हमारा अच्छा बनता चला जाएगा। जैसे ये बादल, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये हवा हम पर उपकार करते हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा उपकार करने वाले हमारे गुरु होते हैं। गुरु जीवन को शुरू करते हैं। यदि जीवन में गुरु ना हो तो जीवन शुरू होने वाला नहीं है। यदि इस समय इतने जितने साधु संत हैं अभी हमारे, यदि ये ना होते तो ये मंदिर है ना, ये भी नहीं बना होता, और बन भी गया होता तो इसका रूप कुछ और होता। प्रेरणा बहुत बड़ा काम करती है। महाराज श्री ने, मुनिराज श्री ने प्रेरणा दी, इतना सुंदर शिखर बन गया, और भी काम हुए यहाँ पर। आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का समाधि दिवस है। आज के दिन शाम को 5:30 बजे समाधि हुई थी। हालांकि हर कोई चाहता है, ऐसा कौन नहीं होगा यहाँ कि मेरी समाधि ना हो। भावना भाते हैं, पढ़ते हैं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भाविना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भावना तो भाते हैं, केवल 24 घंटे में एक बार समाधि भावना पढ़ने से समाधि होने वाली नहीं है। जैसे एक परीक्षा की तैयारी एक बच्चा पूरे वर्ष करता है, ऐसे ही समाधि की तैयारी पूरे जीवन करनी पड़ती है। हर पल को, हर क्षण को बहुत सावधानी से जीना पड़ता है। हर पल अपने परिणाम पकड़ने पड़ते हैं, अपने भाव पकड़ने पड़ते हैं, क्योंकि
ये बिगड़े और समाधि बिगड़ी। यदि समाधि सुधारना है तो परिणामों को सुधारना जरूरी है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की समाधि कितने अच्छी तरह से हुई। यानी आप विचार करो, एक साधक के जीवन में उसके सट आवश्यक सबसे ज़्यादा जरूरी होते हैं। उन्होंने एक दिन पहले उपवास किया, फिर दूसरे दिन शाम को गौतम स्वामी की वहाँ पूजा हुई मंदिर में, वो पूजा पढ़ी, वहाँ पर प्रवचन किए, आकर के प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करते करते और उनकी समाधि हो गई। मतलब कितनी बड़ी बात है। अंत समय में भी प्रतिक्रमण में भी 24 तीर्थंकर की स्तुति आती है, महावीर भगवान की स्तुति आती है, ना जाने वो कौन सा क्षण चल रहा होगा जब उनका अंतिम पल हुआ होगा और एकदम अचानक, मतलब ना कोई सेवा करवानी पड़ी, ना दो चार दिन पढ़ना पड़ा, ना उन्हें कोई बुखार चढ़ा, ना कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। लोग देख रहे कि महाराज जी प्रतिक्रमण कर रहे हैं और वो उन्होंने सोचा कि महाराज जी जब तक प्रतिक्रमण कर रहे हैं तब तक हम अपना पानी मानी भोजन भोजन हम अपना अतिक्रमण कराते हैं। महाराज कर रहे हैं प्रतिक्रमण और हम कर लेते हैं अतिक्रमण। वो अपना अतिक्रमण करने गए और लौट कर आकर देखा तो महाराज थे ही नहीं, उनका केवल शरीर वहां पर था। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कितनी साधना करी, कितनी कठोर तपस्या करी, और स्वयं के लिए तो वे कठोर थे ही, लेकिन जिन धर्म की प्रभावना के लिए उन्होंने क्या नहीं किया। लोग तो केवल अपने सीरियल के कलाकारों को जानना पसंद करते हैं, उनसे ही परिचय करते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि जानना है तो हमारे संत और मुनिराजों के जीवन को जानो, उससे कुछ शिक्षा मिलेगी जीवन में और हमारा कल्याण होगा। कि कौन से साधु संत जन किस तरह से जिन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, किस तरह से साधना कर रहे हैं, किस तरह से वात्सल्य दे रहे हैं, किस तरह से सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, कितने भावनों के साथ में उनका जीवन चल रहा है। यदि अपना जीवन सुधारना है तो आचार्यों के मुनिराजों के जीवन की तरफ देखो, और अपना जीवन बिगाड़ना है तो अपने सीरियल के और मूवी के कलाकारों की तरफ देखो, अच्छी तरह से बिगड़ जाएगा। लड़ाई कैसे करना है, झगड़ा कैसे करना है, कैसे किसको गिराना है, किससे कब लड़ना है, कैसी योजना बनानी है, सब अच्छी तरह सीख जाओगे। और अच्छा जीवन बनाना है, शांत जीवन बनाना है, घर को स्वर्ग बनाना है, तो देखो साधु संतों की तरफ कि वो किस तरह से अपने मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत छोटी उम्र में वैराग्य ले लिया था। वो एक मुनिराज आए, नाम मैं भूल गई, शायद आचार्य विमल सागर जी थे या कौन महाराज जी थे, है ना, आचार्य विमल सागर जी। तो वहाँ पर उनका प्रवचन चल रहा था और उन्होंने प्रवचन सुनते सुनते पीछे गए और जो वहाँ रेत मिट्टी पड़ी थी उसको हाथ में लगाई और केस लॉन्च करना शुरू कर दिया। 13-14 साल की उम्र के होंगे। तब घर वालों ने डांटा पीटा, घर पकड़ के ले गए। और ऐसे करते करते, लेकिन वो घर में रहने वाले तो थे नहीं, जो बिन कारण वैरागी वो पूर्व जन्म का त्यागी। जिसको किसी बिना कारण के वैराग्य आया है, मतलब कि उसका कोई पूर्व जन्म से संबंध है, कि पूर्व जन्म में साधक रहा होगा। और जो पूर्व जन्म में साधक होता है वो उतनी जल्दी निकल जाता है और उतनी जल्दी उस साधना के मार्ग को पकड़ लेता है और उतनी जल्दी हर चीज़ को कैच कर लेता है। यदि नया नया होता तो बहुत टाइम लगता, कोई भी चीज़ को सीखने में टाइम तो लगता है ना। और संस्कार तो इस जन्म के नहीं, पिछले जन्म के भी काम करते हैं। आपका मन कहाँ भाग रहा है, अपने आप कहाँ भाग रहा है, समझ लो पुराने संस्कार हैं।
यदि अच्छे हैं तो उन्हें आगे बढ़ा दो, और बुरे हैं तो उन्हें पलट के अच्छे में लगा दो। तो उन्होंने स्वयं का कल्याण तो किया ही, लेकिन जो समाज में एक बुद्धि वर्ग होता है, वकील हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, थोड़ा सा पढ़ाना, डॉक्टर है और सीए है, वैज्ञानिक हैं, पंडित हैं, जितने भी बुद्धि वर्ग के लोग थे, पहले कोई नहीं जानता था कि हमारे जैन वकील कितने हैं, जैन सीए कितने हैं, हमारे जैन इंजीनियर कितने हैं। लेकिन आचार्य जी ने इस पर बड़ी मेहनत करी, और मेहनत करके पूरे भारत के इंजीनियर को, वकीलों को, सबको जोड़ा और उनके उनका सेमिनार करवाया, और उसके माध्यम से जैन समाज को लाभ दिलवाया कि कभी आपको ज़रूरत हो तो आप जैनियों के काम जरूर आए। इस तरह से उन्होंने बहुत प्रभावना करी, और उसके साथ साथ विद्वानों को जोड़ करके बहुत सारे ग्रंथों का संकलन भी करवाया, छपवाए, शाकाहार की रैलियां निकाली है, मांसाहार को बंद करने का विरोध किया, और उसमें जैसे कि शाकाहार होना चाहिए इस बात पर अनेकों किताबें छपवाई, और मतलब इतना मन में उनके था। जब वो चलते थे तो अपने साथ में एक आदमी को शाकाहार के पर्चे पकड़ा के चलते थे, तो लोग कहते थे महाराज ये क्यों बंटवा रहे हैं, लोग फेंक देंगे। बोले यदि 10 में से 2 जनों ने भी पढ़ लिया ना तो मेरा बंटवाना सार्थक हो गया। मतलब इतनी भावना थी कि किस तरह लोगों के हृदय में अहिंसा का प्रचार कर दूं, किस तरह से लोगों को धर्मात्मा बना दूं, किस तरह से लोगों को जीना सिखा दूं। और जो आने वाली पीढ़ी है, पढ़े लिखे बच्चे यदि उनके पास आ जाते थे तो वो बड़े लोगों से बात नहीं करते थे, उनसे बात करते थे, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ी है, अब इनको सुधारना है। और उनसे बात करके उन्हें समझाते थे 10 बजे के बाद मोबाइल नहीं चलाना, फेसबुक नहीं चलाना, इंस्टाग्राम नहीं चलाना, ये नहीं चलाना, इसमें ऐसे नहीं करना, खूब अच्छे से समझाते थे और खूब नियम देते थे। ना जाने उन्होंने अपने छोटे से जीवन में कितनों के जीवन को सुधार दिया, स्वयं का जीवन तो सुधारा ही, पर ना जाने कितनों का जीवन सुधार दिया। मतलब आप लोग कहते ना भाई हमारी गारंटी हम लेते हैं, औरों की मुझे पता नहीं, लेकिन आचार्य जी कहते थे मुझे मेरी भी पता है, और मैं औरों की भी गारंटी लेता हूं कि और भी सब अच्छे बन जाएंगे। यहां पर आए हुए हैं, यहां रुके रुके भी थे, यहां पर है ना, ज्ञान सागर नीला इसका नाम है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है, उन्होंने सामाजिक कार्य किए, उन्होंने राजनीतिक कार्य किए, उन्होंने रचनात्मक कार्य किए, उन्होंने लेखन कार्य में करवाया, किसी से किताबें लिखवाते थे फिर वो छपवाते थे। आचार्य शांति सागर जी छाणी उत्तर वाले, जिन्हें कोई नहीं जानता था, तो उनको भी एक उभार करके आगे लाए। आप जानते हो आचार्य शांति सागर जी छाणी वाले महाराज को, जानते हो नहीं जानते हो? जैसे कि आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले हैं, उन्होंने अपने आप दीक्षा ली थी ना, अपने आप दीक्षा ली थी। और ऐसे ही वो तो थे दक्षिण के, लेकिन राजस्थान के उत्तर के प्रथम साधु जिन्होंने अपने आप दीक्षा ली वो थे आचार्य शांति सागर छाणी प्रथम। और ये जो परंपरा है, जो आचार्य सुमति सागर जी, आचार्य शांति सागर जी, सूर्य सागर जी, विजय सागर जी, विमल सागर जी, सुमति सागर जी, सन्मति सागर जी, ज्ञान सागर जी, गेय सागर जी, ये जो परंपरा है ये परंपरा है। और एक परंपरा महावीर कीर्ति अंकलीकर वालों की है, जो आचार्य सुनील सागर जी जिसके चतुर्थ पट्टाचार्य हैं, और जो आचार्य शांति सागर जी दक्षिण वाले हैं उनके जो पट्टाचार्य हैं वो आचार्य वर्धमान सागर जी हैं, वर्धमान सागर जी हैं। तो ये तीन परंपरा एक समय में शुरू हुई, इसके पहले मुनिराजों का इतना नहीं था
बीच में बहुत कम हो गया था, अभाव तो नहीं हुआ लेकिन हाँ कम हो गए थे। और उससे फिर दोबारा जब एक जागृति आई है तो ये तीन साधु इन्होंने साधना की, स्वयं दीक्षा ली भगवान के सामने, भगवान को साक्षी मानकर, क्योंकि गुरु नहीं थे और पूर्व जन्म के संस्कार रहे होंगे कि मुझे दीक्षा लेनी। कितनी बड़ी बात है, आप विचार करके देखो, कल्पना करके देखो कि जब कोई भी एक भी साधु नहीं है और किसी के मन में साधु बनने की भावना आ रही है, बात अलग है, साधु बन रहा है, मतलब एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है ये कि मुनि बनना। उन्होंने पहले प्रतिमा ली, फिर छुल्लक बने और फिर मुनिराज बने। सागवाड़ा में उनकी दीक्षा हुई, सागवाड़ा में समाधि भी सागवाड़ा में हुई। तो इस तरह से उसी परंपरा में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज हुए और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने भी अपना जीवन ऐसा जिया कि स्वयं तो दीपक बने और सबको उजाला दे दिया। और आज उनका समाधि दिवस है और उनको आज हम स्मरण करते करते तो हम रोज हैं, सुबह शाम करते हैं, लेकिन आज विशेष स्मरण कर रहे हैं कि आज उनसे कुछ प्रेरणा लें, कुछ सीखें और उनके द्वारा जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करें। जैसा भी मुरैना जाने का प्रोग्राम है तो उसमें भी यही है कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की प्रेरणा से मुरैना से 7 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर एक ज्ञान तीर्थ नाम का 10-12 बीघा में तीर्थ बन रहा है और आचार्य श्री उसी का पंच कल्याणक कराने जा रहे थे। कोरोना के कारण 12 में रुकना पड़ा और उसी बीच उनकी समाधि हो गई। अब उसी अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए हम सब मतलब आप भी हैं ना तैयार? अरे बोलिए ना, पंच कल्याणक होगा तो आप लोग आओगे ना? हाँ देख रही हूँ मैं भी, ये तो बस यहीं तक है। माता जी रुक जाओ, माता जी चतुर्मास कर लो और जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकली, अच्छा माता जी पकड़ पकड़ के, माता जी बंदा में आशीर्वाद तो देती जाओ। बस हाथ जोड़ो और पीछा श्रावक को, श्रावक साधु की जो आहार और विहार दो चर्या में जरूर शामिल होना चाहिए। इसके फायदे थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा हैं। और इससे क्या मिलता है, यदि लेने वाला हो तो बहुत कुछ ले सकता है और नहीं तो कौन जाए, थक जाएंगे, विहार कौन करे, मेरे घर में बच्चे हैं, मेरा ये है, मेरा वो है। नहीं जाने के 100 बहाने और जाने का कोई बहाना है ही नहीं है। अब जो जयपुर वाले विहार करवा रहे हैं, रोज़ सुबह 4 बजे उठते हैं, 2-3 गाड़ियाँ रोज़ भर के आती हैं, तो आ रहे नहीं आ रहे हैं? अरे बोलिए ना, आ रहे ना। ऐसे हमारे यहाँ से भी जब मैं रास्ते में थी तब भी दोसा से सब लोग जा रहे थे, आ रहे थे, तो गए कि नहीं गए? कुछ काम में कमी आई क्या? नहीं आई। समय बहुत है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, जब तलक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से। और समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से, समय कुछ ऐसा निकालो, प्रेम हो भगवान से। अब मैंने चतुर्मास पदमपुरा किया तो आपके यहाँ सुधीर जी जो अध्यक्ष हैं पदमपुरा के, गए कि नहीं गए? यहाँ का काम भी किया, जयपुर का काम भी किया, आचार्य श्री की भी सेवा करी और मेरे पास भी पहुँच गए। भाई करने वाला सब जगह कर लेता है और नहीं करने वाला अपने मोबाइल में लगा रहता है, बस उसको तो अपने व्हाट्सअप से मतलब है और अपने बस माता जी आ गई कि अच्छा हाँ व्हाट्सअप में आया था कि माता जी आ रही हैं, अच्छा व्हाट्सअप में आया था माता जी जा रही हैं, उसका व्हाट्सअप ही चलता रहता, वो नहीं चलता है। बोलिए ऐसा है कि नहीं है? आपके व्हाट्सअप में तो सब चल जाता है,
केवल तुम नहीं चलते हो, और जो चल जो गाड़ी खड़ी हो जाए ना वो बीमार हो जाती है। तो तुमने अपनी गाड़ी को खड़ी कर दिया है, मंदिर भी पैदल नहीं आते हो इसलिए बीमार हो जाते हो। साधु संतों के साथ जरा 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर आगे तक का विहार करवाओ, देखो आपके हाथ पांव वैसे ही ठीक हो जाएंगे। अरे बोलिए ना, अब डॉक्टर भी तो कहता ही होगा ना। बंधुओं, बहुत अच्छा लगा दोसा आकर के, और सबसे अच्छा लगा आचार्य श्री का वात्सल्य। इतना वात्सल्य मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सोच रही थी जा तो रही हूँ, पता नहीं आचार्य श्री का स्वभाव कैसा होगा, अच्छे से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। हाँ, लगता है ना, जब तक किसी को अच्छे से नज़दीक से देखो नहीं तो तब तक दूर से पता नहीं चलता है, तो पता नहीं अच्छे से बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पता नहीं कैसे होंगे, मन में विचार चल रहा था। लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो बिल्कुल आश्वस्त हो गई कि आचार्य श्री के वात्सल्य में कहीं कोई कमी नहीं है। अभी मैंने कहा आचार्य श्री यहाँ आदिनाथ भगवान की प्रतिमा है, मेरा मन है कि 2 बजे से 3 बजे तक 1 घंटे भक्तांबर का पाठ करवाऊं। बोले हाँ हाँ करवाओ करवाओ, 1 सेकंड में मतलब सोचने तक की देर नहीं लगाते हैं। वो रथ प्रभावना के लिए, भगवान महावीर की प्रभावना के लिए, जिन धर्म की प्रभावना के लिए चल रहा है, तो आज वो रथ जो आपका पुराना गाँव है, बड़ी बड़ी सड़कें जहाँ हैं, तो 1 जने रथ 2 जने रथ में बैठ कर के और उसको पूरा भ्रमण करवा देना है ना। और साथ में अभी जाने वाली बात हो तो देख लेना, नहीं तो वैसे कर पूरा भ्रमण करवा देना है ना। चलने में पथ का, लेने में शपथ का, और घूमने में रथ का, भोजन में खीर का, पीने में नीर का, और तीर्थंकरों में महावीर का, पूछने में हाल का, सिर पर बाल का, और भगवान महावीर के 2550वां साल का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और 2550वां साल जोर शोर से मनाने का, सुधरने में दशा का, रात्रि सोने के लिए निशा का, और आने वालों में दोसा का। आज तो प्योर दोसा वाले बैठे, आज तो कोई और नहीं है, जयपुर वाले हैं। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। होने में निशल्य का, होने में निशल्य का, अस्पताल में शल्य का, और आचार्य श्री के वात्सल्य का। बोलिए 24 भगवान की। आप भी संसारी हैं, हम भी संसारी हैं, कभी किसी तरह के कारण बन जाते हैं, और हम तो ये भावना बाते हैं इस प्रांगण में ही नहीं, हमेशा सतत माता जी आपका स्वास्थ्य और आपकी चर्या दोनों अनुकूल बने रहें। जिस प्रकार से आप धर्म की प्रभावना कर रही हैं, ऐसी प्रभावना आपके माध्यम से वर्षों वर्ष होती रहे, और इसी प्रकार से आप धर्म का, गुरु का और अपना नाम उज्जवल बना के रखें, ऐसे हमारी मनोभावना है और ये हमारे चित्त के मंगल भाव हैं। साथ ही आपने कहा क्या कह सकते हैं, मैं भी आपको इसलिए फोर्स नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जब जब हम प्रयास करेंगे, लेकिन जब भी आप इस चीज़ का निर्णय लें तो एक बार दोसा की ओर जरूर आप चिंतन करें कि ये आपको कितना अच्छा लगा कि नहीं लगा वो मुझे पता नहीं, लेकिन आपके प्रवास से दोसा जैन समाज को बहुत उपलब्धि होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आपका क्योंकि सीकर जाना है मुरैना से, तो दोसा आना पड़ेगा, ठीक है, और जाजपुर जाना है तो दोसा आना पड़ेगा। और जाजपुर तो माता जी आपका बनाया हुआ क्षेत्र है, आपने उसको जन्म दिया है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ वहाँ जितना विकास हुआ है वहाँ अभी आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप 5 साल तक जो है इधर उधर घूमकर और लोगों में जागृति पैदा करें,
तो जो पीछे थोड़ी बहुत जमीन बची है वो सब पूरी हो जाएगी तब तक। फिर आप जाए एक फिर पंचकल्याण को, और संयोग ऐसा बने उस पंचकल्याण में हम भी आए और आपके सानिध्य में उसका आनंद लें। तो अभी तो माता जी जाजपुर को तो आप जो है ना स्टैंड बाई मोड पर डाल दो। इतने अच्छे गुरु थे मेरे, आंख बंद करती हूँ रात भर मुझे याद आती रही, कल परसों से रोज याद आ रही है। आज दिवाली का दिन था, आज भगवान महावीर मोक्ष गए हैं, शाम को गौतम गढ़धर जी मोक्ष गए हैं, उसके बाद ही उनने पूजा करवाई गौतम गढ़धर जी की, और उसके बाद खड़े होके सबसे बोला अब मैं स्वतंत्र हो गया हूँ, आज से मेरा चातुर्मास उठ गया है, अब मैं कभी भी जा सकता हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई रोक टोक नहीं कर सकता। इतना कहा और सबने पूजा की गौतम गढ़धर की, ओ महाराज जी अंदर आए, लोग अपने घर भी नहीं पहुंच पाए, ओ महाराज जी चले गए। अब जब चले गए, जब सुना तो ऐसा लगा कि जे क्या हो गया मेरे गुरु इतनी जल्दी, मैं ज़्यादा दिन उनके सानिध्य में नहीं रह पाई, क्योंकि दीक्षा ली वो माता जी के पास आ गई, कभी चली जाती थी कभी आ जाती थी, पंचकल्याणक के समय जरूर मैं 2-3 बार गई, महाराज जी चलो, महाराज जी चलो, पंचकल्याणक है, अच्छा तुम लेने आई हो, अच्छा माता जी ने तुम्हें भेजा है, जी महाराज जी मुझे भेजा है, आप चलिए। बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया रास्ता में, बहुत बीमार हो गए, फिर भी वे जैसे तैसे यहाँ पहुँचे। उनने इतना बढ़िया पंचकल्याणक करवाया, और उनका आखिरी पंचकल्याणक ए माता जी के साथ उनका हुआ। जो ज्ञान सागर जी महाराज थे उनका मेरा ज़्यादा परिचय तो नहीं हो पाया, पंचकल्याणक में परिचय हुआ था। बहुत अच्छे ज्ञानी थे और सबको अच्छी राह बताने वाले थे, और बताते थे, जीवन राह पर लगाते थे। साधु संत जो होते हैं एक गुलाब के फूल के समान होते हैं, जहाँ गुलाब का फूल खिलता है तो सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। इसी प्रकार हमारे संत जो होते हैं वो गुलाब के फूल के समान, उनकी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप संतों को छोड़ना मत, कोई भी संत हो छोड़ना मत, उनकी सेवा जरूर करना, उनकी सेवा से तो मेवा ही मिलेगा, आपको विष नहीं मिलेगा। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप, आओ आरती। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान,
सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जनपद पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500, 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।